ऐसे ही एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको कि एक दिन मैं सपने में सो रही थी और मेरे सपने में भगवान जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमसे आज मिलने आया हूँ और मैं दिन भर तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, ये हकीकत है क्या? तो मैंने चिमटी ली अपने आप को, मैंने सोचा ये सच बात है। तो देखा तो हाँ, प्रभु सच में मेरे सामने खड़े और मुझे ही दिखाई दे रहे हैं, मेरी माँ को नहीं दिखाई दे रहे वो। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, आप आए हैं तो आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। तो बस प्रभु जी आ गए और बस मैं अपना नित्य क्रिया करके अपने भोजन और नाश्ते के लिए बैठी तो प्रभु जी मेरे साथ थे। तो मैं रोज़ चिल्लाती कि मेरे खाने में ये क्या है, वो क्या है, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं बोली। मैं शांति से पहले निवाला खाया और उनको भी खिलाया और अपने चली गई ऑफिस। ऑफिस में चलते हुए मैं गाड़ी में बैठी तो गाड़ी में मुझे फ़ोन अटेंड करने की आदत है, तो गाड़ी में फ़ोन आया तो मैंने कहा नहीं, मुझे देख रहे हैं, मैं अपने आप को एक अनुशासन में लाऊं। और मैंने फ़ोन को जब उठाया, जब गाड़ी को मैंने साइड में लगा लिया, ऐसे ही मैं ऑफिस में गई। ऑफिस में सबसे बदतमीजी से अगर भूल जाऊं तो कभी, लेकिन उस दिन मैं इतने सभ्य तरीके से पेश आ रही थी कि भगवान मुझे देख रहा है, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी से कुछ गलत नहीं कहा। दिन भर मैं बिल्कुल संभल संभल कर चली, मेरा पूरा दिन इतना अच्छा गया। अचानक से मेरी आँख खुली कि मेरा ये सपना था। बस अगर सपने ने मेरे आज को मुझे झकझोर के रख दिया है तो समझिए, जब वो सपना ही इतना अच्छा था तो हमारे जीवन में हम क्यों नहीं अच्छे बन सकते दोस्तों? हमेशा अच्छे बन सकते हैं, हमेशा अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, भी पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया मोटिवेशनल वीडियो। आप हमेशा यह सोचते हैं कि हम अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा समय अच्छा आ जाएगा, लेकिन जब हम आज चिंता करेंगे, आज पर अपना कुछ अच्छा कर लेंगे तो हमें वो कल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमें आगे चलकर सामने आते हैं। आज हम अच्छा पैसा कमा लेंगे तो वो पैसा हमारे लिए कल काम आएगा, और आज हम अच्छे कर्म कर लेंगे तो वो कल कर्म हमारे पुण्य वर्कर बनकर आगे सामने आएंगे हमारे बुरे वक्त में। और हमेशा कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरिया करेगा कब। यह बात सही है दोस्तों, समय हमारे हाथ से इस तरह छूटता जा रहा है। हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं बट समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, समय को रोक नहीं सकते। एक दिन हमारा जीवन अंत हो जाएगा, अंत में हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे हाथ में। बस इसी प्रकार मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ कि आपकी शायद ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशनल हो जाए। बस एक नगर में एक राजा था, वह राजा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और खूब उसने अपने राज्य में अच्छे राजपाट किया था, अच्छा जीवन व्यतीत किया था, अच्छे से उसके राजा को सब प्रजा पसंद भी करती थी। लेकिन वह राजा बूढ़ा होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधों पर नहीं देना चाहता था। वो यह कहता था कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं राजपाट करूँगा, क्योंकि उसके मन में लालच था और वह अपना ही राज हमेशा रखना चाहता था। उसने अपने बेटे को राजपाट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी। एक दिन उस राजा ने अपनी इस खुशी के बदले में एक दिन अपने राजमहल में एक समारोह रखा और वहाँ से दूसरे राज्य से एक नृत्य की बुलाई जो अच्छा नृत्य कर लेती थी। और जब वह नृत्य आई तो उस महल में एक पुराने पंडित भी थे और उनका बेटा भी और उनकी बेटी भी, सब बैठ के अच्छे से नृत्य आया। मेरी ज़िंदगी कुछ ही दिनों की है और मैंने अपना सब किया कराया, पानी फेर दिया। मुझे आज एहसास हो गया कि मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे कुछ दिन जो बचे हैं वो मैं अपनी ज़िंदगी की अपनी तपस्या में ही गुजारूँगा, वहाँ से कहकर चले गए। फिर उनका बेटा बोला, महाराज जी आज तो मैं आपका कत्ल करने वाला था क्योंकि आपने मुझे अपना राजपाट दिया ही नहीं, बहुत समय हो गया, मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ और मैं सैनिकों से मिलकर आपका कत्ल करने वाला था। वहीं से बेटी बोली, महाराज जी मैं आज किसी व्यक्ति के साथ यहाँ से भाग जाने वाली थी क्योंकि आप मेरा स्वयंवर नहीं रचा रहे थे, तो आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक दिन मुझे आप स्वयंवर करा ही दोगे और अब मेरे इतने दिन चले गए तो कितने दिन बचे हैं, आज नहीं तो कल मेरी शादी तो आप करा ही दोगे। इस बात को मैंने अपने मन में सोच लिया है और अपनी सोच बदल दी है। और लड़का बोला कि मेरे भी मन की सोच बदल गई कि आज नहीं तो कल आप
इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाएंगे और एक दिन आपको मुझे राजपाट सौंपना ही पड़ेगा। तो मेरी भी सोच बदल दी। बस दोस्तों, एक कोई बात कभी भी आपकी कोई भी सोच बदल सकती है, हमेशा याद रखिए। इसी तरीके से एक मिनट की एक कहानी और है कि एक जंगल में एक बिजनेसमैन दूसरे गांव जा रहा था, वो भी नाव पर, नाव वाले से बैठा और बोला कि क्या तुम्हें ये फैक्ट्री यहाँ लगाना सही रहेगा, ये आइडिया कैसा है मेरा। तो नाव वाला बोला, भाई साहब मुझे तो फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ पता नहीं, मैं तो जानता ही नहीं ये सब होता क्या है। फिर थोड़ी दूर पर चलकर नाव वाले से पूछा उस बिजनेसमैन ने, क्या तुम न्यूज़ में मेरी फ़ोटो या अखबार में मेरी चर्चा कभी पढ़ी है? तो उस बेचारे ने बोला, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। तो दोस्तों, कुछ ही दूर पर चलकर जब वहाँ नाव में छेद हो गया, उस नाव में पानी भरने लगा और वह बिजनेसमैन डूबने लगा, तो उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन से पूछा, भाई आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन बोला, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाले ने पूछा, आपको इतनी छोटी सी बात नहीं आती? तो बिजनेसमैन ने माफ़ी मांगी और कहा, भाई साहब मैं आपको कम समझ रहा था, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा समझ रहा था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। उस नाव वाले ने उस बड़े से बिजनेसमैन की जान बचाई। दोस्तों, हमें कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी हम अपने से भी छोटे व्यक्ति को छोटा ना समझें, क्योंकि हमारे राह चलते हुए एक छोटा सा पत्थर होता है ना, वो भी काम आ सकता है कभी हमारे बुरे वक्त में। बस यही सीख आपको देना है कि आपका भी जीवन शायद कुछ बदल जाए, और ज़िंदगी में जो कुछ है वो तो है हमारा, जो कुछ होना होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हर दिन प्रभु हमारे साथ रहते हैं। प्रभु का एहसास अगर आप कर लोगे तो आप इतना सभ्य और इतने नियमित रूप से चलोगे कि आप अपने आप को हर गलत कदम पर रोक लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भगवान मुझे देख रहा है।